The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello. So, blood pressure or pulse rate mein kya difference hai? Pulse rate kya hai? Blood pressure kya hai? देखो ब्लड प्रेशर आपके खून की नसों में, मान लो खून की नसें हैं, उसके अंदर बैठा फोर्स है जो उसकी वॉल्स में है, जिसकी वजह से ब्लड आगे पुश हो रहा है. सो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड मूविंग थ्रू योर ब्लड वेसल्स एंड पल्स रेट इज बेसिकली द हार्ट रेट. पल्स रेट एंड हार्ट रेट इज सेम. पल्स रेट एंड हार्ट रेट इज सेम असेंशियली. असेंशियली मतलब उसमें भी एक डिफरेंस होता है. पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट व्हेन द रिदम इज नॉर्मल. वेरी सिंपल, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं. सो पल्स रेट और हार्ट रेट ये होता है कि एक मिनट में कितनी बार हार्ट धड़क रहा है, राइट. नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट इज बीटिंग पर मिनट एंड दीज आर टू सेपरेट थिंग्स. ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट. एंड पीपल जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उनको ब्लड प्रेशर ही मेजर करना पड़ेगा, पल्स रेट से काम नहीं चलेगा. और जिनको पल्स में प्रॉब्लम है, पाल्पिटेशन है, उनको पल्स ही मेजर करने पड़ेगा. ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन इट्स नॉट रिप्लेसमेंट. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसीडर हियर. देन ऐसा है मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि व्हेन यू आर एक्साइटेड, व्हेन यू आर वरीड, व्हेन यू आर वॉकिंग रनिंग, तो क्या होता है, आपकी आपके बॉडी के अंदर से कैटाकोलामीन्स, एड्रीनलिन, नॉट एड्रीनलिन, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं, एंड दैट वो दे इंक्रीज योर पल्स रेट एज वेल एज योर हार्ट रेट. तो हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों बढ़ाते हैं, कई सिचुएशंस में बढ़ सकते हैं. बट दैट डज नॉट मीन कि हमेशा ही आपकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर एक साथ बढ़ेंगे. इट्स नॉट रेट. सो जब आपका, अगर किसी कारणवश आपका हार्ट रेट बढ़ता है, राइट, सिर्फ हार्ट रेट बढ़ता है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर भी हमेशा बढ़ाएगा. और सी, हार्ट एक मिनट में मान लो 70 टाइम्स है धड़क रहा, और थोड़ा देर बाद आपका हार्ट एक मिनट में 90 टाइम्स धड़कने लग गया, तेज धड़कने लग गया. सो देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट. क्या मैकेनिज्म है? जब ज्यादा ब्लड धड़कने लग गया तो आपकी बॉडी के खून की नसें, द ब्लड वेसल्स रिलैक्स, द ब्लड वेसल्स रिलैक्स एंड एडजस्ट द ब्लड प्रेशर. वो उनका काम है. योर ब्लड प्रेशर कैन एडजस्ट द ब्लड प्रेशर. जब वो एडजस्ट नहीं कर पाते, देन यू हैव हाई ब्लड प्रेशर. तो हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट मोस्टली बिकॉज ऑफ द हार्ट, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द ब्लड वेसल प्रॉब्लम्स. और हाई हार्ट रेट, पल्स रेट इज बिकॉज ऑफ द हार्ट, ऑब्वियसली. सो दो अलग अलग चीजें समझनी जरूरी है यहां पर. एंड व्हेन यू एक्सरसाइज, हार्ट रेट भी बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है पहले इनिशियली और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, बिकॉज इट्स कंटिन्यूसली. यू वॉन्ट प्रेशर से ब्लड खून की नसों में जाए, एंड देन रिलैक्स भी होती है ब्लड, राइट. हार्ट रेट डबल बढ़ सकता है जितना नॉर्मल आदमी का, लेकिन ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और थोड़ा सा बढ़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड मोर ब्लड प्रेशर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाई हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कैसे काम करते हैं. अब हार्ट रेट और एक्सरसाइज में अगर बात करें कि बहुत सिंपल सी चीज है. जब हम कई बार TMT एक्सरसाइज करते हैं, टारगेट हार्ट रेट देखते हैं, आपको दौड़ाते हैं. सो अगर मान लीजिए, अगर आप अपनी पल्स रेट देखेंगे ड्यूरिंग बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग बिफोर एंड आफ्टर एनी फिजिकल एक्टिविटी, तो आप नोटिस करोगे कि एक्सरसाइज जैसे जैसे बढ़ती है हार्ट रेट वैसे वैसे बढ़ता है, एक्सरसाइज जैसे जैसे बढ़ती है पल्स रेट और बीपी वैसे वैसे बढ़ता है. जितनी इंटेंस एक्सरसाइज होती है उतना हार्ट रेट बढ़ता है, और जैसे ही आप एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हो, रुक जाते हो, वैसे ही आपका हार्ट रेट एकदम से नहीं कम होता. इट डज नॉट इमीडिएटली रिटर्न टू नॉर्मल, इट टेक्स सम टाइम, राइट. और ये डिपेंड करता है आप कितने फिट हो, राइट. इफ यू आर हेल्दी, द मोर फिट यू आर, द सूनर योर हार्ट रेट विल कम टू नॉर्मल, राइट. दैट डिपेंड्स अपॉन योर फिटनेस लेवल्स. सो ये एक टेस्ट हम करते हैं ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट का TMT में. सो दैट इज वन थिंग. अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, नॉर्मल हार्ट रेट कितना है, लेट्स टॉक अबाउट इट. फर्स्ट ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर में नॉर्मल होता है, नॉर्मल में दो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक. सिस्टोलिक व्हेन द हार्ट पंप होता है तो ज्यादा ब्लड प्रेशर आएगा, ज्यादा प्रेशर आएगा. और व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक. जब हार्ट रिलैक्स होता है डायस्टोलिक, तब प्रेशर कम होगा. सिस्टोलिक इज लेस देन
less than 120 is normal, but more than 90, more than 100, something like that, 100 to 120 is normal in systolic, and diastolic is less than 80. If it is, agar hum isko baat kare, elevated blood pressure ko bolte hai, 120 se leke 130 tak, 120 to 130 is elevated, less than 80 should be there in diastolic. High blood pressure bolte hai, agar 80 to 90 diastolic hai, aur stage 1 blood pressure bolte hai, agar 130 to 140 hai, matlab aapka blood pressure kitna hona chahiye, 130 by 80 ke niche. Right, abhi diastolic ko bhi importance dene lage hai, although that is a variable thing, but then yes, phir stage 1 hai ye, stage 1 kitna, blood pressure below 140, if it is 130 and 140 ke bage beech mein, it is stage 1 for systolic, and diastolic ke liye 80 to 90. So, stage 2 high blood pressure 140 se upar, anything above 140 in systolic or anything above 90 in systolic is stage 2, and hypertensive crisis, ki bhai itna sara blood pressure hai ki turant aapko hospital jana chahiye, is any systolic blood pressure above 180, 180 ke upar hai, seedha hospital jao, ya 120 ke upar diastolic hai to, so 120, not 110, 120. So this is about blood pressure normal. So what is normal? Pulse rate, very very important. So pulse rate kitni normal hai, ye bhi jana zaruri hai. पल्स रेट होती है नॉर्मल 60 to 100 पल्स रेट नॉर्मल होती है, बट देन पल्स रेट डिपेंड करती है ऑन योर एज, ऑन योर सेक्स, ऑन योर फिटनेस लेवल आल्सो, राइट. छोटे बच्चे की पल्स रेट इतनी नहीं होती, एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी पल्स रेट होती है 70 से लेके 190 तक, 190 तक पल्स रेट हो सकती है एक महीने से छोटे बच्चे का, और 1 से 11 महीने के बच्चे का हो सकता है 160 तक, 80 to 160, 1 साल से 2 साल के बीच का धीरे धीरे ऐसे ऐसे कम होते जाता है, 1 से 2 साल में 130, 140, 3 से 4 साल में 120 तक, 80 to 120, 5 से 6 साल में 75 to 115, 7 से 9 साल में 70 to 110, और 10 साल के ऊपर वाला बच्चा या एडल्ट का 60 से 100 के बीच में हो सकता है, 60 से 100. और अगर कहीं आप एथलीट हो, वेल ट्रेन्ड, वेल एक्सरसाइजिंग, खतरनाक एक्सरसाइज करने वाले एथलीट, तो आपका ब्लड प्रेशर यानी आपका सॉरी हार्ट रेट कम हो सकता है, और भी कम, इट कैन बी 40 to 60. रेस्टिंग हार्ट रेट की बात हो रही है, रेस्टिंग हार्ट रेट, नॉट दौड़ने वाला, नॉट एनीथिंग एल्स, रेस्टिंग हार्ट रेट, राइट. सो ये होता है इंपॉर्टेंट हार्ट रेट और हार्ट ब्लड प्रेशर का रिलेशनशिप. अब इसमें दो बातें और समझनी जरूरी है. देयर इज अ रिएक्शन, देयर इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, अगर किसी भी कारण से आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, सो देयर विल बी अ रिस्पॉन्स इन योर बॉडी, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि बॉडी को, सारे शरीर को खून पहुंचाना है, बात खत्म. उसका काम है खून पहुंचाना है, वो बोलेगा कि खून नहीं पहुंच रहा, ब्लड प्रेशर कम है, किडनी में, लंग्स में, लिवर में खून नहीं पहुंच रहा, तो वहां से ब्रेन में सिग्नल जाएगा, मेरे पास खून नहीं आ रहा, डू समथिंग. तो वो क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन बढ़ जाएंगे, आपकी खून की नसें कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा और साथ में दिल की धड़कन बढ़ जाएगी. सो दैट इज अ रिस्पॉन्स. लो ब्लड प्रेशर विल कॉज हाई हार्ट रेट, दिल की धड़कन हाई पल्स रेट कर देगी. और उल्टा भी होता है, अगर हाई पल्स रेट हो गया तो बिकॉज ऑफ दैट ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसके अलावा टेम्पररीली, और इवन लो हो सकता है. देयर कैन बी अ टाइम, अगर हम पल्स रेट बढ़ाते जाएंगे, मान लो पल्स रेट बढ़ाते गए 180, 110, 120, 130, 40, 50, 60, 160, 170, 180, तो इतने हाई पल्स रेट कंटिन्यूसली जाते जाते हार्ट थक भी सकता है. सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द हार्ट, कंटिन्यूसली हाई पल्स रेट, किसी बीमारी अरिदमियाज में ये होता है, रिदम प्रॉब्लम हो जाता है, या बहुत ही तेज टैकीकार्डिया चलता रहता है, तो हार्ट जो है कम धड़कने लगता है, इट कैन गेट वीक, इट कैन गेट टायर्ड, राइट. टैकीकार्डिया इंड्यूस्ड मायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी भी होता है. सो इट कैन गेट टायर्ड, और ऐसा भी होता है इतना तेज धड़क रहा है कि भर ही नहीं पा रहा है, तो उसके वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. सो
बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, इसलिए केस टू केस बेसिस में देखना पड़ता है कि व्हाट इज कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर. कोई इंजरी है, कोई चोट है, कोई ब्लीडिंग है, कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लामेशन है, कौन हाई ब्लड प्रेशर कर रहा है. एंड अगर ब्लड प्रेशर लो है, हार्ट रेट हाई है तो भी यही कारण है. और ब्लड प्रेशर लो है, व्हाट इज कॉजिंग द इन्फेक्शन में वैस्कुलर परमेबिलिटी, क्योंकि पानी निकल जाता है खून से, इन्फेक्शन में शरीर में थर्ड स्पेस लॉस होता है पानी का, कई बार ब्लीडिंग में ब्लड लॉस होकर ब्लड प्रेशर कम होता है. सो देर आर सो मेनी, हार्ट ही वीक हो गया उसके वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया. सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देर आर सो मेनी कॉजेज, बहुत सारे कारण है ब्लड प्रेशर हार्ट रेट में वेरिएशन का. सो हमें ये देखना होता है कि क्यों हो रहा है. दैट्स व्हाई अ फिजिशियन, एक डॉक्टर को प्रॉपरली इवैल्यूएट करना पड़ता है किसी भी हार्ट रेट ब्लड प्रेशर के केसेस को. सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट. वील बी स्टडिंग अबाउट पल्स रेट डिफरेंटली अलग से, और पल्स प्रेशर भी. पर पहले आपके कुछ सवाल ले लेते हैं, सो प्लीज राइट योर क्वेश्चंस.